Assalamualaikum, namaste and welcome to my channel. Mera naam hai Afghan aur aaj hum baat karenge Afghanistan T20 World Cup 2024 ki team selection ke baare mein. Video start karne se pehle bakhair aghle. Special message for my Afghan brothers and sisters. Anyways, let's get into the video. Sabse pehle Rashid Khan. Spin bowling ki dunya mein ek nayi spin style introduce kiya Rashid Khan ne. Leg spinner hai lekin bahut quick delivery dalte hain. Captain bhi hai Afghanistan team ke aur बहुत ही talented option है, batting भी कर सकते हैं, unorthodox shots खेलते हैं, बहुत ही aggressive batsman है, बहुत ही aggressive bowler भी है, wicket taking option और obviously captain है, तो उनको तो team में शामिल करना ही पड़ता है। Rashid Khan makes it in, शाबाश। Next we have Rahmanullah Gurbaz, wicket keeping option और बहुत ही अच्छी batting भी करते हैं, aggressive batsman है। अगर देखें तो पूरी अफगानिस्तान की team बहुत aggressive है, चाहे वो bowlers हो या batsmen, they're all very aggressive और T20 cricket के लिए वो बिल्कुल perfect है। सिर्फ aggressiveness की बात ही इब्राहिम जदरन को सिलेक्ट किया है बहुत ही एग्रेसिव बॉलर है वो यंग प्लेयर है 2019 से खेल रहे लेकिन एक्सपीरियंस है उनके पास टेस्ट भी खेल चुके हैं ओडीआई भी खेल चुके हैं टी20 भी खेल चुके हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं सो वी आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम हिम देन नेक्स्ट अप वी हैव अजमतुल्ला उमरजई और एज द अफगान्स लाइक टू कॉल हिम अजमतुल्ला उमरजई ही इज अ वेरी क्विक बॉलर स्पीडस्टर बहुत ही तेज गेंद डालते हैं और रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने सो इज अ वेलकम सिलेक्शन अग्रेसिव बॉलर है स्पीडस्टर है एंड ऑन हिज day he can be a problem for any batsman wicket taking off in here Najibullah Zadran veteran player hai bahut time se khel rahe hain kafi experience hai inke paas vice captain bhi reh chuke hain afghanistan team ke I'm not sure kya bhi vice captain hai ya nahi but very experienced left handed batsman welcome selection agar veteran afghani players ke bare mein baat kare to Mohammad Nabi has to be mentioned he's a legend of afghan cricket he's an all rounder bahut achhi spin bowling karte hain aur bahut aggressive batting bhi karte hain nickname the president दिया है मोहम्मद नबी को ऑब्वियसली उन्होंने सेलेक्ट तो होना ही था प्रेसिडेंट को आप कैसे नहीं सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट आपको सेलेक्ट करेगा आप प्रेसिडेंट को नहीं सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट अप देन वी हैव गुलबदीन नायब ऑलराउंडर बैट्समैन और बॉलर भी है फास्ट बॉलिंग करते हैं एक्सपीरियंस है अच्छा प्लेयर है लाइक आई सेड मल्टी टैलेंटेड बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं और अग्रेसिव प्लेयर है सो यू नीड दैट अग्रेशन समटाइम्स सो इट्स गुड टू हैव ए प्लेयर लाइक दैट इन योर साइड के बाद फिर हम जाएंगे मुजीबुर रहमान के पास यंग स्पिनर बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं ओपन भी किया है पीएसएल में पेशावर जलमी के लिए और काफी अच्छी बॉलिंग की है विकेट टेकिंग ऑप्शन है एंड ही इज वेरी यंग ही इज वेरी यूथफुल फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ पैशन इट्स गुड टू सी हिम इन द साइड स्पीकिंग ऑफ यंगस्टर मोहम्मद इशाक जिन्होंने अभी इस ईयर डेब्यू किया है श्रीलंका के खिलाफ नए प्लेयर है मैंने इतना नहीं देखा इनको ऑब्वियसली क्योंकि इज अ वेरी न्यू प्लेयर अभी अभी डेब्यू हुई है इंटरनेशनल सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम एक्साइटेड हूँ कि कैसे परफॉर्म करेंगे और किस टाइप के प्लेयर निकलेंगे उसको भी स्क्वाड में सेलेक्ट किया है So another young player added to the squad. Next up, then we have the heavenly Kareem Jannat. He's a very good bowler, batting bhi kar sakte hain. T20 mein especially inki bahut experience hai, kafi games khel chuke hain, 50-60 ke kareeb. Aur 5 wicket haul bhi liye hain inhone T20 international. ODIs bhi khele, test bhi khele, but not that many. Waise to Afghanistan in general kam ODI aur test khelte hain, zyadatar T20 international hi khelte hain. So he's an experienced and a welcome addition. Youngsters ke baare mein agar baat करे तो एक नया प्लेयर अफगानिस्तान से अभी अभी इंटरनेशनल डेब्यू किया है और 4 विकेट हॉल लिए है डेब्यू दैट्स राइट आई एम टॉकिंग अबाउट नंग्याले खरोटे यंग प्लेयर है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है लाइक आई सेड फर्स्ट मैच में डेब्यू में 4 विकेट्स लिए वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू हैव नया प्लेयर है तो ज्यादातर बैट्समैन को पता भी नहीं होगा कि इसकी बॉलिंग स्टाइल कैसी है इसका गेम कैसा है तो रीड करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होगी जरूर सो गुड सिलेक्शन वंस अगेन नूर अहमद को भी सेलेक्ट किया है टीम में हम देख चुके हैं नूर अहमद को ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे भी डोमेस्टिक में भी डिफरेंट लीग में भी वो खेल चुके हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हासिल की है उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस में सो ही इज अ वेरी गुड एडिशन टू हैव नवीन उल हक को भी सिलेक्ट किया है सिमिलर टू नूर अहमद नवीन उल हक ने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट लीग्स में काफी खेल चुके हैं और ऑब्वियसली अफगानिस्तान के लिए भी काफी खेल चुके हैं तो अगेन एक्सपीरियंस भी है परफॉर्मेंसेज भी अच्छी दे चुके हैं और स्किल भी है व्हाट मोर डू यू नीड ऑफकोर्स नवीन उल हक ने सिलेक्ट होना था नेक्स्ट अप देन वी हैव फजल हक फारूक बहुत बहुत टैलेंटेड प्लेयर है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आईपीएल में भी खेल चुके हैं पीएसएल में लाइक आई सेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड सम ऑफ दीस अफगानी प्लेयर्स हैव रियली प्लेड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन एवरी डिफरेंट डोमेस्टिक लीग काफी एक्सपीरियंस है इनके पास डिफरेंट ट्रैक पे डिफरेंट सर्फेसिस पे डिफरेंट प्लेयर्स के खिलाफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेल चुके हैं
और ऑलमोस्ट हर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. सो वंस अगेन पहले तो होना ही था इनको. फरीद अहमद मलिक इज द नेक्स्ट प्लेयर टू बी सिलेक्टेड. लेफ्ट आर्म फास्ट ऑप्शन है. लेफ्ट आर्म फास्ट ऑप्शन टीम में बहुत जरूरी होता है. जैसा मैंने हर्षदीप सिंह के बारे में कहा कि लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो नेचुरल एंगल उसको मिलता है, नेचुरल एडवांटेज मिलता है राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ. एंड एज वी नो दुनिया में ज्यादातर बैट्समैन राइट हैंडेड है, सो उसको नेचुरल एडवांटेज मिलेगा राइट हैंडेड बैटमैन के खिलाफ. तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को रखना बहुत जरूरी होता है. एंड ही इज दैट. काफी एक्सपीरियंस भी है इनके पास. 2014 में इन्होंने डेब्यू किया था अपना और काफी खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी. सो इज अ वेरी गुड सिलेक्शन. अफगानिस्तान ने रिजर्व में सिर्फ 3 प्लेयर्स रखे हैं और वो प्लेयर्स हैं हजरतुल्ला जजई, सदीक अतल एंड सलीम साफी. हजरतुल्ला जजई इज वेरी फेमस क्योंकि वो खेल चुके हैं काफी लीग्स में भी और ऑब्वियसली अफगानिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं. बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, पावरफुल हिटर है. आई वुड हैव लाइक टू सी हिम इन द स्टार्टिंग 11, लेकिन रिजर्व में रखा है इसको. ठीक है, शायद चांस मिल जाए इसको, बट आई लाइक हिम पर्सनली क्वाइट अ लॉट. बहुत पसंद है इसकी बैटिंग मुझे. पीएसएल में है, पेशावर जलनी के लिए खेल चुके हैं और काफी अग्रेसिव बैट्समैन है. सो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन टू बी ऑन द लुक आउट फॉर. ही कैन रियली चेंज द गेम. तो ये है अफगानिस्तान की पूरी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि USA में और वेस्ट इंडीज में खेली जाएगी इस साल जून में और जुलाई में. कमेंट्स में बताएं मुझे आपका क्या ख्याल है इस स्क्वाड के बारे में. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी एनिग्मैटिक स्क्वाड. नई स्क्वाड है, इनके पास बहुत ही पैशन और अग्रेशन है और लिटरली किसी को भी अपसेट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है पास्ट में भी. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 टीम्स को तो बैम्बूजल बिल्कुल कर जाएंगे इस वर्ल्ड कप में भी. देयर आर ऑलवेज अ डार्क हॉर्स, देयर आर ऑलवेज अ सरप्राइज एंड देयर आर ऑलवेज वेरी फन टू वॉच. और यही उम्मीद रखता हूँ इनसे मैं इस साल भी. आप बताएं आपकी क्या राय है अफगानिस्तान की इस टीम के बारे में और आपके ख्याल में कितना दूर जाएंगे इस साल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान. चलो जी, दैट्स द होल वीडियो. आई होप यू एंजॉय इट. अगर एंजॉय किया आपने वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं और टीम्स की वीडियोस भी बनाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी सारे टीम्स अभी बाकी हैं. और नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जैसे ही मैं अपलोड करूं राइट अवे. दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे गाइस. थैंk you for watching. I'll see you guys in the next video. Until then.